वेलकम टू माई क्लास इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं दो नेम रेंजेस को आपस में कंपेयर करूंगा उन दोनों नेम रेंजेस के अंदर जितने भी डिफरेंसेस हैं उनके नंबर को काउंट किया जाएगा और इसके लिए मैं डिफाइन नेम सम फंक्शन और इफ फंक्शन को यूज़ करूंगा आइएगा मूव करते हैं एक प्रॉब्लम की तरफ इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर मुझे एक प्रॉब्लम दी गई है काउंट द नंबर ऑफ डिफरेंसेस इन टू रेंजेस रेंजेस की फॉर्म के अंदर मेरे पास यहाँ पर दो टेबल्स दी गई हैं और इन टेबल्स को मैंने नाम दिया है रेंज वन एंड रेंज टू इन दोनों टेबल्स को हमने आपस में कंपेयर करना है और यहाँ पर इन दोनों टेबल्स के अंदर डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस के नंबर को हमने काउंट करना है सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इन दोनों टेबल्स को डिफाइन नेम के थ्रू इनका नाम रख दूँगा मैंने फर्स्ट टेबल को पूरा सिलेक्ट किया और आई गो टू फार्मूलाज फार्मूलाज के अंदर डिफाइन नेम के अंदर मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेबल को एक नाम दे देना चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर रेंज वन लिखा हुआ था तो ये न्यू नेम बॉक्स ने इसका रेंज वन नाम ही ले लिया मुझे ये नेम एक्सेप्टेबल है ये रेंज वन नाम इस पूरी वर्कबुक के ऊपर एप्लीकेबल हो दिस इज ऑल्सो ओके कमेंट के केस के अंदर मुझे कोई कमेंट नहीं देना और रेफरस टू केस के अंदर यहाँ पर जिन पर्टिकुलर सेल का रेफरेंस है एक्सेल ने ऑटोमेटिकली वो सारा रेफरेंस यहाँ पर ले लिया तो प्रैक्टिकली मुझे इस पर्टिकुलर रेंज वन के नाम देने के लिए कुछ भी यहाँ पर नहीं करना पड़ रहा आई सिंपली क्लिक ओके जैसे मैंने ओके okay क्लिक किया आप देखिएगा मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूं तो यहां पर नेम बॉक्स के अंदर मेरे पास रेंज वन लिखा हुआ आ गया सिमिलरली मैं यहाँ पर रेंज टू की कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करता हूँ वंस अगेन आई गो टू डिफाइन नेम आई सिलेक्ट डिफाइन नेम और डिफाइन नेम के अंदर न्यू नेम बॉक्स के अंदर नेम के अंदर ऑलरेडी नेम रेंज टू आ गया आई एक्सेप्ट दिस नेम रेंज टू इसका भी स्कोप इस पूरी वर्कबुक के ऊपर है सो मुझे ये भी ठीक है मुझे कोई कमेंट नहीं देना और लास्ट पॉइंट के अंदर रेफरेंस टू के केस के अंदर इस पर्टिकुलर टेबल का जो रेफरेंस है सेल का वो एक्सेल ने ऑटोमेटिकली टेकअप कर लिया आई सिंपली से ओके पहली टेबल को नाम दे दिया गया रेंज वन और दूसरी टेबल को नाम दे दिया गया रेंज टू मैं यहाँ पर नेम बॉक्स के अंदर क्लिक करता हूँ तो आप दोनों ये यह नाम यहाँ पर देख सकते हैं अब मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ डिफरेंसेस को कैलकुलेट करना है इसके लिए मैं यहाँ पर सम के फंक्शन को टेक अप करूँगा सम के फंक्शन के अंदर मुझे आर्गुमेंट देना है नंबर नंबर की फॉर्म के अंदर मैंने इफ फंक्शन को स्टार्ट कर दिया और इफ़ फंक्शन के अंदर हमारे को फर्स्ट आर्गुमेंट है लॉजिकल टेस्ट लॉजिकल टेस्ट के केस के अंदर अब मैं यहाँ पर जैसे ही मैंने आर ए एन जी लिखा तो मेरे पास यहाँ पर टूल टिप के अंदर रेंज वन लिखा हुआ आ गया मैंने इसी पे क्लिक कर दिया सो so, ये फर्स्ट आर्गुमेंट फंक्शन के अंदर फिक्स हो गया दिस इज इक्वल्स टू मैं सेकेंड फंक्शन को लिख रहा हूं जैसी मैंने रेंज लिखना शुरू किया यहां पर रेंज टू टूल टिप के अंदर आ गया मैंने इस पे डबल क्लिक कर दिया तो ये भी फंक्शन के अंदर फिक्स हो गया इफ फंक्शन के अंदर ये मेरा लॉजिकल टेस्ट है रेंज वन को रेंज टू के साथ कंपेयर करो क्या ये बराबर हैं अगर तो ये बराबर हैं तो यहां पर वैल्यू दे दो जीरो इट मींस कि इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है और अगर ये बराबर नहीं है तो यहां पर वैल्यू दे दो वन जितनी बारी भी ये यह यहां पर चेक करेगा कि दोनों के अंदर डिफरेंसेस हैं या नहीं है उतनी बारी ये वन देगा और सम का फंक्शन इसके बाद इन सभी वन को एडअप कर देगा आई क्लोज पेरेंथिस यहाँ पर मैंने इफ़ फंक्शन को क्लोज़ किया है अब मैं सम फंक्शन को क्लोज कर रहा हूँ स्टूडेंट नोट कीजिएगा ये अब एक ऑर्डनरी फंक्शन नहीं है ये एक एरे फंक्शन बन चुका है जिसके अंदर हम एक सेल को दूसरे सेल से कंपेयर नहीं कर रहे बल्कि एक पूरी रेंज को दूसरी रेंज के साथ कंपेयर कर रहे हैं एक डेटा सेट को दूसरे डेटा सेट के साथ कंपेयर किया जा रहा है सो यहाँ पर मुझे आंसर लेने के लिए तीन कीज़ को इकट्ठा प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर मैं यहाँ पर तीनों कीज़ को इकट्ठा प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर जैसे ही मैंने यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस किया मेरे पास एक आंसर आ गया थ्री यानी कि इन दोनों रेंजेस के अंदर तीन डिफ्रेंसेस हैं लेटस वेरीफाई दिस एटी एट मैं इनको कलर करता चलता हूँ एटी एट थर्टी फोर 74 आप देख रहे हैं कि हमने तीन डिफरेंसेस को यहां पर लोकेट कर दिया और हमारे पास इसी फंक्शन ने भी यही काम किया है आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने इस फंक्शन को राइट right साइड के ऊपर लिख दिया बट स्टूडेंट इसके अंदर आप यहां पर दो पॉइंट्स को यहां पर नोट करेंगे फर्स्ट पॉइंट इज यू नीड टू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर अगर आप ये कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस नहीं करेंगे तो यहाँ पे ये आपको वैल्यू एरर देगा मैं ये आपको करके भी दिखा देता हूँ ये मैंने फंक्शन को डबल क्लिक कर दिया आई सिंपल गिव वन एंटर जैसे ही मैं एंटर देता हूँ तो ये मेरे पास वैल्यू एरर देता है लेकिन अगर मैं इसी को कंट्रोल शिफ्ट और एंटर करके प्रेस करूंगा तब ये मुझे एग्जैक्ट आंसर देगा क्योंकि ये एक एरे फंक्शन बन चुका है और एरे फंक्शन होने के लिए आप इसके जो साइड पे कली ब्रैकेट्स लगी हैं आप इसको भी देख सकते हैं ये कली ब्रैकेट्स हमने नहीं लगाई बल्कि एक्सेल के इस फंक्शन ने लगा दी जिससे ये पता चल रहा है कि ये एक एरे फंक्शन है सेकेंड पॉइंट द फार्मूला रिटर्न द डिफरेंसेस ओनली वेन टू रेंजेस आर आइडेंटिकल ये फार्मूला तब हमें रिजल्ट देगा जब इन दोनों रेंजेस के अंदर सेल्स की संख्या बिल्कुल बराबर होगी ये दोनों रेंजेस इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स बिल्कुल मैच करते हैं अगर ये रोज़ और कॉलम्स मैच नहीं करेंगे तो ये हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा स्टूडेंट मैं उम्मीद करूँगा इस छोटे से एग्जाम्पल से आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल गई है और आप इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज कर सकते हैं आई होप दैट द थिंग्स विल बिकम सिंपल टू यू नाउ थैंक यू वेरी मच